अक्टूबर महीने में त्योहार शुरू हो जाते हैं, ऐसे में बहुत से लोग अपने घरों की दीवारों को सजाने के लिए पेंट करवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सेहत को ये पेंट, स्प्रे पेंट किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? दरअसल इन पेंट्स में कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल मिले होते हैं जो शरीर के साथ साथ मानसिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी के पेंट का इस्तेमाल करें। जब पेंट कराने के बाद सूख जाता है तो इसमें मौजूद केमिकल्स हवा में घुल जाते हैं। वहीं घर के दरवाजे, खिड़कियाँ हमेशा खुली नहीं रहती हैं, इसलिए ये सांस लेते समय शरीर में प्रवेश करते हैं। हो सकती है कई सेहत संबंधित समस्याएं। जब केमिकल सांसों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अस्थमा और साइनस के मरीजों के लिए ये पेंट्स अधिक नुकसानदायक होते हैं। वहीं मुंह के जरिए ये शरीर में एंटर करने के बाद ब्लड में मिल जाते हैं, जिससे कई तरह की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घरों में हल्के रंगों और अच्छी क्वालिटी वाले पेंट्स का ही यूज करें। जब भी आप पेंट करवाएं, वहां ध्यान रहे कि हवा के प्रवेश करने और निकलने का साधन मौजूद हो। हार्श केमिकल से आपको स्किन पर खुजली, एलर्जी भी हो सकती है, साथ ही सिरदर्द की समस्या भी शुरू हो सकती है। नवजात शिशुओं के लिए भी खतरनाक है। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो पेंट करवाने से बचें। प्रेगनेंसी के दिनों में भी पेंट करवाने से बचना चाहिए। पानी में मिलाकर तैयार किए गए पेंट से उतना नुकसान नहीं होता है, इनकी सुगंध तीव्र नहीं होती और इनमें केमिकल भी काफी कम होता है। आप चाहें तो अपने घर के लिए हेल्दी, नेचुरल या इको फ्रेंडली पेंट का चुनाव कर सकते हैं। पेंट झड़ने के काफी नुकसान। कई बार जब आप पुराने पेंट को हटवाकर नया पेंट लगवाते हैं तो इस दौरान किए जाने वाले घिसाई के कारण भी इनमें मौजूद लीड और अन्य केमिकल्स घर के वातावरण में घुल जाते हैं, जो कई दिनों तक नहीं जाते। ये सांसों के जरिए शरीर में प्रवेश कर कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। लीड के कारण बच्चों में IQ कम हो सकता है, समझने की शक्ति भी कम हो सकती है। वार्निश भी नुकसानदायक होता है। वार्निश का इस्तेमाल फर्नीचर आदि पर किया जाता है। इनमें भी खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आंखों में जलन, सिरदर्द, अस्थमा, यहाँ तक कि कैंसर के खतरे को भी बढ़ावा दे सकते हैं। कुर्सी, टेबल आदि पर जब भी वार्निश का काम करवाएं तो घर के बाहर ही करवाएं, ताकि बाहर के वातावरण में केमिकल्स मिल जाएं और आपकी सेहत खराब ना हो। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।